देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के चुनावी दौरे बदस्तूर जारी हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा, साथ ही यूपी की योगी सरकार की सराहना भी की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देश के गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया। संबोधित करते हुए बीजेपी के लिए वोट की मांग की, साथ ही विपक्षी दलों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जिस भूमि से चौधरी चरण सिंह ने किसानों की आवाज बुलंद की थी, उनको नमन। ये चुनाव मोदी जी के तीसरी बार पीएम बनने का चुनाव है। गुड़ गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई। कांग्रेस के वक्त गन्ने का रेट 210 रुपए प्रति क्विंटल था, आज 340 रुपए प्रति क्विंटल है। मोदी जी ने गुड़ और गन्ने के इस क्षेत्र के अंदर गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर ढेर सारे बदलाव किए। भाई और बहनों, आप याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, गन्ने की एफआरपी 210 प्रति क्विंटल थी, 210, और आज 340 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम मोदी जी ने किया है। और भुगतान की जहां तक बात है, 95 से 17 में एवरेज भुगतान 23,000 करोड़ होता था, आज 2,50,000 करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार में 20 चीनी मिलें खुली हैं, नई इथेनॉल नीति लाई गई है, ये किसानों के लिए है। कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि कश्मीर हमारा है या नहीं, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं, धारा 370 को खत्म कर भारत को जोड़ने का काम किया गया है। कश्मीर में आतंक खत्म हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इतना ही नहीं, अमित शाह ने सपा मुखिया पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश और घमंडिया गठबंधन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार में 20 चीनी मिलें खुली हैं, नई इथेनॉल नीति लाई गई है, ये किसानों के लिए है। कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि कश्मीर हमारा है या नहीं, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं, धारा 370 को खत्म कर भारत को जोड़ने का काम किया गया है। कश्मीर में आतंक खत्म हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इतना ही नहीं, अमित शाह ने सपा मुखिया पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश और घमंडिया गठबंधन कभी नहीं चाहता कि राम मंदिर बने, लेकिन मोदी के शासनकाल में मंदिर बना। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस वाले 50-50 साल से धारा 370 को संभाल पर बैठे थे। मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रधानमंत्री बनाया, धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि मैं पश्चिमी यूपी का 2014 में प्रभारी था, तब पलायन था। 2017 में योगी सरकार आई तो पलायन रुका, गुंडे पलायन करने लगे। बीजेपी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये किया है। अमित शाह ने ये भी कहा कि ये गठबंधन जो हुआ है, 12 लाख करोड़ घोटाले के आरोपी हैं। मोदी की उस दिन की रैली भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के लिए एक संदेश है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्हें जेल में डालना चाहिए। पीएम मोदी का मकसद किसानों को मजबूत करना है। कांग्रेस पार्टी एक कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने
केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। अमित शाह ने जनता से संजीव बालियान को जिताने की अपील भी की। मुजफ्फरनगर पहुंचे अमित शाह ने जहां एक तरफ जनता को संबोधित किया, वहीं दूसरी ओर जनता से संजीव बालियान को जिताने की अपील की। 14 की 14 सीटों को बीजेपी की झोली में डालने की जनता से मांग की, जीत का आशीर्वाद भी मांगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।